नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप देख रहे हैं बिहार के सबसे बड़े यूट्यूब न्यूज चैनल एसडीज को। एग्जिट पोल आप लगातार देख रहे होंगे, लेकिन एग्जिट पोल नतीजे देखने के बाद जो रुझान निकल के आ रहे हैं, विपक्ष कहीं ना कहीं उससे नाराज है मीडिया पर। इस वक्त हमारे साथ जदयू के विधान पार्षद नीरज कुमार जी हैं। पेपर पढ़ रहे हैं सुबह सुबह, सर क्या कर रहा है? अखबार पढ़ रहे हैं, मीडिया में देख रहे हैं, क्या फीडबैक कर रहे हैं? 2019 का लोकसभा चुनाव एक लंबा चुनाव प्रक्रिया चली। एग्जिट पोल के नतीजे 23 मई को पता चलेगा, लेकिन जनता की मनोदशा साफ तौर पर है। चूंकि विपक्ष कोई बेहतर नेतृत्व नहीं दिया, महागठबंधन जो बना बिहार में वो अपराधियों भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ा था, तो जनता ने इसको जरूर नकारा होगा। यह बात बुनियादी रूप से सच है और यह 23 मई को इसका रिफ्लेक्शन होगा, प्रकटीकरण होगा। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि एग्जिट पोल जो निकल के आया है उसका जो स्पष्टीकरण है वो या जो प्रमाण है वो तो 23 पर चलेगा, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष लगातार हमलावर है मीडिया के ऊपर कि ये सभी रिपोर्ट झूठी, ये तो लोगों से क्या उम्मीद करते हैं? जब जिसका विपक्ष का नेता 8वां 9वां पास हो, वोट डालने नहीं गया वो, जिसका पीड़ित आत्मा के रूप में कोई कहाँ कहाँ घूम रहा है, क्या क्या कर रहा है, तो कोई समन्वय जिसमें नहीं है, और उसका चरवाहा विद्यालय मानक हो, जिसका सबसे बड़ा नेता सजा याफ्ता कैदी हो, तो उन लोगों से क्या उम्मीद करेगा? मीडिया पर कहेगा, जनता पर कहेगा, आम लोगों पर कहेगा? इसलिए पेट जब दर्द करे तो माथा दर्द की दवा से वह ठीक नहीं होता है, वही है विपक्ष का हाल है। वो तो कह रहे हैं कि 400 सीट जो आप दिखा रहे हैं, 400 सीट तो एनडीए नहीं बल्कि महागठबंधन जीत रही है, उसमें दिक्कत क्या है? उसके बाद क्या होगा? चुनाव परिणाम अगर हमारे पक्ष में आएगा, विपक्ष के नेता सारे इस्तीफा दे देंगे ना, अपने पार्टी के प्रमुख पद से इस्तीफा देंगे कि नहीं? तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता पद से इस्तीफा देंगे कि नहीं? ऐसे भी उनको दे देना चाहिए, संविधान की धारा 325 और 326 के तहत उनको मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए था। तेजस्वी यादव पागल तो है नहीं, दोष सीधा अपराधी तो है नहीं, वोट का नहीं दिया, क्यों नहीं वोट दिया? वोट जो नहीं देगा उसको लोकतंत्र में पद ग्रहण करने का कोई अधिकार है? अच्छा, जब से चुनाव हो चुके हैं उसके बाद से तेजस्वी यादव लगातार मिल नहीं रहे हैं, तो उनके अध्यक्ष पार्टी के कह रहे हैं कि हमें नहीं पता कहाँ है। क्या मुझे नहीं मालूम कि तेजस्वी यादव कहाँ गए, लेकिन मुझे इस बात की चिंता जरूर है कि उनके साथ रहने वाला अनैतिक देह व्यापार अधिनियम का आरोपी है मनी जाए तो मनुष्य का नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है। तो हमारी चिंता है कि तेजस्वी यादव अगर उसके साथ गए हैं तो ये जरूर परिवार के लिए चिंता का विषय होना चाहिए और बिहार के लिए चिंता का विषय। अच्छा, लगातार अब नीरज कुमार से व्यक्तिगत सवाल पूछते हैं, मुंगेर जहानाबाद में आप लगातार कैंपेनिंग करते रहे, क्या रुझान निकल क्या है? मुंगेर में कोई लड़ाई है? राजनीति का लंपट कहीं आता पता चलेगा इसका, ये तो ऐसे ही छुरछुरी पड़ाका जैसा रहेगा। हम तो कह रहे हैं कि चुनौती दे रहे हैं, अभी भी 23 मई है, मैं चुनौती दे रहा हूँ कि अगर मैं चुनाव एनडीए हार जाएगा तो हम विधान परिषद से इस्तीफा दे देंगे। आप तो जमानत जब्त कराने की बात कर रहे थे मुदीना सिंह जी, विधानसभा से इस्तीफा दीजिएगा कि नहीं? और अगर विधानसभा से नहीं भी देंगे तो कानून का बैताल अभी पीछा नहीं छोड़ने वाला है इनका। दल बदल कानून के तहत चुनाव परिणाम के बाद सदस्यता समाप्त किए जाने के लिए आवेदन भी देंगे, तब देखेंगे कि मुंह से जो पटाखा छोड़ने वाले लोग हैं और कलम में कितनी ताकत है। अच्छा, आप कुछ घंटे ही बाकी है, क्या लगता है कल जिससे जब नतीजा आने लगेंगे तो कौन मिठाइयाँ बांट रहा है? भाई निश्चित रूप से मुंगेर की जनता हो और जहानाबाद की जनता भाई किसको वोट देगी? जो सेनारी नरसंहार के अभियुक्त रमेश यादव को उत्तर अरुण कुमार कर रहे थे उसको वोट देगा? वोट देगा एनडीए को। इसलिए सुरेंद्र यादव जैसा दर्जनों मामले जिस पर हों, हत्या डकैती क्या क्या है, रंगदारी छनौटा से व्यापारी को मारना, उसको कोई वोट देने वाला है? इसलिए चाहे जो भी हो, यह तय हो जाना है इस चुनाव में कि अपराधियों और लंपटों की राजनीति नहीं चलेगी, बल्कि राजनीति वैकल्पिक नीति और एजेंडा पर चलेगी। मतलब आप तो अभी साफ कर रहे हैं कि जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो बिल्कुल सही है आपके हिसाब से? हम कोई एग्जिट पोल करने वाले नहीं हैं, लेकिन जो जनता की मनोदशा यही है कि ऐसे लोगों को जनता दरकिनार करे। और जो विरोधी हताश है उनको क्या जवाब देते हैं? अरे उन लोगों को तो हम लोग सलाह देना चाहते हैं कि आप चुनाव परिणाम आने के बाद मौन साधना में चले जाइए और जो राजनीति में धनार्जन किए हैं उसका दाखिल खारिज सब कराते रहिए, कागज पत्र ठीक ठाक करते रहिए। अब जनता नहीं मिलने वाली, न माया मिली न राम, दिल्ली में सरकार बनेगी तो जो लोग काला धन कमाए हैं, जो लोग का दिल काला है, ये
सब का पॉलिटिकल ऑपरेशन होता है। एक आखिरी सवाल, अब विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जदयू विधानसभा चुनाव से पहले जो विशेष राज्य के दर्जे का मुद्दा है उसे उठाएगा। उसमें उनको लाइन लग रहा है क्या विशेष राज्य के दर्जा के सवाल पर? अरे ये बिहार विधानमंडल का सर्वसम्मत प्रस्ताव है, पहले लालू जी को न्यायालय ने कुपात्र घोषित कर दिया, विधानमंडल में नहीं है, राबड़ी देवी है, तेजस्वी यादव है, सर्वसम्मत प्रस्ताव है विधानमंडल का, उससे कैसे अलग हो जाएगा? और बिहार विशेष राज्य का दर्जा कोई फरिश्ता करके नहीं पक्ष दे देगा, जो मानक है बिहार ने अपनी पात्रता से दिखे विकास दर के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर हमारा विकास दर ज़्यादा है, क्षेत्रफल मेरा ज़्यादा है, हम हमारी आबादी ज़्यादा है, हमको तो विशेष सहायता चाहिए। हाँ, राष्ट्रीय जनता दल को चिंता है कि कैदी नंबर 3351 लालू यादव का विशेष दर्जा जेल में कायम रहे, तेजस्वी यादव IRCTC घोटाले में है, कभी मौका मिले तो उनको विशेष दर्जा मिले। हमारे लिए चिंता है कि बिहार की जनता के हक में विशेष राज्य का दर्जा चाहे जिस रूप से हो, 15वें वित्त आयोग में भी हमने अपनी बात को रखी है, तो स्वाभाविक रूप से हमारी उम्मीद है कि केंद्र सरकार निश्चित रूप से एक सकारात्मक भूमिका अदा करेगी। अब पात्रता हमने सिद्ध किया है। चलिए, विशेष राज्य के दर्जे पर क्या कुछ कह रहे थे वो तो वो लेकर ही रहेंगे, जदयू का कहना है, और विधानसभा चुनाव क्यों अभी भी उनका ये मुद्दा है, और एग्जिट पोल पर क्या कुछ साफ कर दिया उन्होंने कि एग्जिट पोल पर कहीं ना कहीं विपक्ष जो हताश हो रहा है उन्हें नसीहत भी दे दी है। आप लाइव स्ट्रीम के माध्यम से जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, क्योंकि कुछ घंटे ही बाकी रह गए चुनाव नतीजे घोषित होने में, हम उन चुनाव नतीजों से सबसे पहले आप रूबरू कराते रहेंगे। धन्यवाद।